हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, जानदार टॉपिक है, क्योंकि मैं इस टॉपिक में आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं या एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि काफ़ी व्यूअर ये कंप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमको बताएं कि मैं एलोपैथिक दवा होम्योपैथिक दवा साथ में ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि सारी जानकारी आपको पता चल सके। माय डियर फ्रेंड, अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और माय डियर फ्रेंड, अगर आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि हाँ, आप रिस्पांस दे रहे हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो माय डियर फ्रेंड, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आइए माय डियर फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि एलोपैथ होम्योपैथ ये सब अपनी अलग अलग ब्रांचेज हैं। जैसे एलोपैथ होम्योपैथ आयुर्वेदा सिद्धा तमाम एलेक्ट्रो होम्योपैथी यूनानी तमाम ऐसी ब्रांचेज हैं मेडिसिन की। सबका अपना एक तरीका होता है, अपना मेडिसिन होता है, अपना परहेज होता है, सबका अपना अपना थेसिस होता है दवा देने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं सिर्फ मैं होम्योपैथ और एलोपैथ की। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप एलोपैथ की दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत लेंदी नहीं करेंगे, बस थोड़े में सब कुछ आपको समझा देंगे। माय डियर फ्रेंड, अगर आप एलोपैथ की दवा खा रहे हैं, सपोज आप कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, 4 दिन 5 दिन आपने ले लिया, अब आपको होम्योपैथिक दवा लेना है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक खा रहे हैं, एंटीबायोटिक 5 दिन 7 दिन उसका जो कोर्स होता है, यही कोर्स होता है जो है एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन या मैक्सिमम 10 दिन। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं और नियरली काफ़ी खा चुके हैं, 5-6 दिन खा चुके हैं, तो माय डियर फ्रेंड उसको पूरा कर लें, यानी उसका जो कोर्स है एंटीबायोटिक का उसको पूरा कर लें, उसके बाद आप होम्योपैथिक दवा खाएं एज ए प्रिवेंटिव कि आगे बीमारी न हो उसके बाद। लेकिन उस एंटीबायोटिक रोग के होम्योपैथिक दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी आपने कोर्स पूरा कर लिया, अब उसको बीच में छोड़ना सही नहीं है। उसको या उसके साथ में होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं या उसको पूरा करने के बाद होम्योपैथिक दवा सेवन करें, लेकिन उसको ब्रेक नहीं करना। अगर आपने नहीं लिया है शुरू से ही तो आप होम्योपैथिक लें, वो ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात फ्रेंड्स, ये बता दें आपको कुछ जो जीवनदायिनी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ हैं, जैसे कि TB, कैंसर, इस तरह एड्स। अब ऐसी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसको बंद आप नहीं करें। माय डियर फ्रेंड, TB का अपना कोर्स होता है, कैंसर का कोई कोर्स नहीं है, कब तक चलेगा, एड्स का भी कोई कोर्स नहीं है, लेकिन ये दवाइयाँ आपको ब्रेक नहीं करनी है। इस दवाइयों के साथ में होम्योपैथिक दवाइयाँ आप सेवन करें, जैसा रिजल्ट आएगा, जाँच जैसा कहेगा, जैसा डॉक्टर कहेंगे, उसके बाद आपको करना है। लेकिन अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं इस तरह की जो कि लाइफ थ्रेटनिंग दवाइयाँ हैं, TB, कैंसर या एड्स इस तरह की, तो उसको बंद नहीं करना है, उसके साथ में आप होम्योपैथिक ले सकते हैं। क्योंकि बहुत कोर्स में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, अगर आप होम्योपैथिक पे आना चाहते हैं दवाइयों को बंद करके, बहुत लंबी केस टेकिंग होगी, बहुत वेल एजुकेटेड या रिप्यूटेड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो जो कहेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन जनरली आप वीडियो देख के या कोई दवा खा रहे इसको देख के आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि होम्योपैथी में दवाई नहीं, बहुत अच्छी दवाई है, बट उस तरह के डॉक्टर के पास आपको जाना है, वो जैसा कहेंगे तब करना। आप किसी की वीडियो देख के, कहीं किताब पढ़ के या किसी ऐसे दवा ले रहे तो ऐसे आपको बंद नहीं करना है। तीसरी बात फ्रेंड्स, कि आप ये जान लें एलोपैथ होम्योपैथी दवाइयाँ आप साथ में खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कोई कहता है कि एलोपैथ आप खा रहे हैं तो होम्योपैथ छोड़ देना है, रोक देना है, होम्योपैथ खा रहे तो एलोपैथ नहीं खाना है, बिल्कुल आप खा सकते हैं, बस दवाइयों में थोड़ा गैप रखें। ज़्यादातर एलोपैथ की दवाइयाँ क्या है, खाना खाने के बाद आप खाते हैं, ठीक है, खाली पेट आप होम्योपैथ की दवाई खा लें, उसके बाद आप एलोपैथ खाना खाने के बाद खाएं। और ऐसे भी खाना है तो आप आधे घंटे का ब्रेकअप कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो दवाई अपना काम करी, वो अपना काम करी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एलोपैथ दवाई खा रहे तो होम्योपैथ नहीं खाना है, होम्योपैथ खा रहे तो एलोपैथ नहीं खाना है। तीसरी बात फ्रेंड्स, ये बता दें आपको, जो छोड़ने वाली दवाइयाँ हैं जिसको कि आसानी से
कन्वर्ट किया जा सकता, जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई है, थायराइड की है, शुगर की है, ऐसी दवाइयाँ अगर आप ले रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो बंद करके होम्योपैथ ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अभी अगर आप दवाई खा रहे हैं, थायराइड की, बीपी की, शुगर की दवाइयाँ आप खा रहे हैं, तो इसको कुछ दिन आप खाते रहें और होम्योपैथ की भी दवाइयाँ लेते रहें, 15 दिन 20 दिन महीने भर ऐसा करें, धीरे धीरे दवाइयों का डोज कम करते जाएं एलोपैथ की और होम्योपैथ की दवाई एज इट इज़ खाते रहें, तो एक समय आएगा कि आप धीरे धीरे उस एलोपैथ की दवाई को आप बंद कर देंगे और होम्योपैथी दवाइयाँ लेते रहेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है, ये सिर्फ जैसे आप थायराइड के, शुगर के या बीपी के केस में कर सकते हैं कि धीरे धीरे दवाइयों को गैप करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, उनकी पोटेंसी कम करते जाएंगे, पावर कम करते जाएंगे, फिर दिन बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से उसको बंद कर देंगे और होम्योपैथी दवाइयाँ एज इट इज़ लेते रहेंगे। ऐसा नहीं कि उसको बंद करके तब होम्योपैथी दवाई लेनी, होम्योपैथी दवाइयाँ स्टार्ट कर देंगे और उसको भी लेते रहेंगे कुछ दिन, फिर धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा, होम्योपैथी दवाइयाँ खाते रहेंगे। लेकिन इस दौरान आप बीच बीच में अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, तो यही तरीका है फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत कुछ बताने का नहीं है, बस इतने में ही आप सब कुछ समझ जाएंगे। अगर और कोई क्वेरी है माय डियर फ्रेंड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में माय डियर फ्रेंड बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक बात करूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।